नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। रेलवे में सफर करने वालों को लंबे वक्त तक ट्रेनों की बोरियत नहीं झेलनी पड़ेगी। पटना से दिल्ली आने जाने वाले यात्री महज 12 घंटे में ही अपनी यात्रा अब पूरी कर लेंगे। दरअसल रेलवे की ओर से बिहार के झाझा से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाया गया है। इसके तहत सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करते हुए इसे आधुनिक और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इससे संरक्षा में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सारे पुल पुलियों के पुराने जर्जर गार्डल बदल दिए गए हैं। इससे ट्रेनों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जिसका फायदा ट्रेनों के परिचालन पर होने लगा है। इस रूट पर ट्रेनों के चलने की स्पीड तो बढ़ी ही, साथ ही टाइम टेबल पर भी असर देखने को मिलने लगा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाले ट्रेन नंबर 02393 संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन अब पटना से नई दिल्ली की दूरी सिर्फ 12 घंटों में ही तय कर लेगी, जबकि पहले पटना से दिल्ली आने जाने में लोगों को 14 घंटे का समय लगता था। नए टाइम टेबल के अनुसार संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 5:45 के बजाय शाम 7:25 पर रवाना होगी। वहीं पटना जंक्शन से ये ट्रेन 7:50 पर खुलेगी, जो दूसरे दिन सुबह 7:55 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इस तरह अप में ये 2 घंटे बाद पटना जंक्शन से खुलेगी और अपने पुराने समय से DDU 22:22 पहुंच जाएगी। DDU से ये पुराने समय 22:32 प्रस्थान करेगी। कानपुर 2:25 पर रात को पहुंचेगी। नई दिल्ली अपने पुराने समय पर 7:55 पर पहुंचेगी। ये अब राजधानी एक्सप्रेस के पीछे पीछे उसी गति से चलती रहेगी। हालांकि वापसी में ये ट्रेन अपने पुराने समय सारणी से ही चलती रहेगी। वहीं भागलपुर से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। ये ट्रेन अब भागलपुर से 11:15 के बजाय 11:50 पर आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। पटना जंक्शन पर ये पुराने समय से ही पहुंचेगी। आनंद विहार से भागलपुर के लिए ये लगभग 3:30 पर दिन में प्रस्थान कर सकती है। पटना जंक्शन पर ये सुबह में 3:30 पर पहुंच सकती है। अभी जहां 12:25 पर भागलपुर पहुंचती है, तो वहीं अब 8:15 पर ही भागलपुर में पहुँच जाएगी। पहले ये ट्रेन 21 घंटे में आनंद विहार से भागलपुर पहुंचती थी, लेकिन अब 17 घंटे में ही पहुंचने की संभावना है। हालांकि विक्रमशिला का टाइम टेबल चार्ट अभी जारी नहीं हुआ है, इसे मंगलवार तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बुधवार से दोनों ट्रेनें अपने नए समय सारणी से चलने लगेंगी। बहरहाल ट्रेनों के समय में होने वाले इस बदलाव से यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। ट्रेनों के जल्दी पहुंचने से लोगों का समय भी बचेगा। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।